पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देशन में अवैध जुआ सट्टा, मादक पदार्थ, अवैध खनन, अवैध शराब के प्रति जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई में आज करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर सुनारी से करेरा की ओर शराब लेकर जा रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने सुनारी रोड पर चेकिंग लगा दी और कुछ देर बाद एक लाल कलर की मोटरसाइकिल से आते दिखाई दिए। वहीं पुलिस ने वाहन रोककर तलाशी ली तो दो क्रेन में कच्ची शराब बरामद की गई। वहीं तभी पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने अपने घर पर भी शराब का और जखीरा होना बताया। वहीं पुलिस तुरंत आरोपी के घर पहुंच गई। वहीं तलाशी ली गई तो 30 पेटी अंग्रेजी और 20 पेटी बियर, 10 पेटी प्लान व 150 लीटर शराब का जखीरा, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई जिसकी कुल कीमत 8 लाख बताई गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 34-2 की कार्रवाई कर ली है और आरोपी के पिता उज्जैन कंजर की तलाश में लग गई है। जो शराब पर कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई है? आज लोगों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि फतेहपुर का कंजर जाति के लोग अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब बिक्री कर रहे हैं। उप सूचना पर से फतेहपुर तराय पर चेकिंग लगाई गई तो एक कंजर आता हुआ दिखा, जिसे रोका तो उसके पास दो कैनों में अवैध रूप से कच्ची देसी भट्टी की शराब भरी हुई थी। जब उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि मेरे घर पर भी भारी मात्रा में अंग्रेजी व देसी शराब रखी हुई है। उस सूचना के आधार से जब उसके घर पर पहुंचे तो उसका बाप जो था उज्जैन कंजर, वो भाग खड़ा हुआ। इसका पीछा किया गया तो खरीचा पहाड़ी पर चढ़ गया तो पकड़ में नहीं आ सका। उसके घर से 30 पेटी अंग्रेजी शराब, 20 पेटी बीहर, 10 पेटी प्लेन शराब बरामद की गई है तथा एक कैन 50 लीटर और बरामद की गई कच्ची घर से। कुल कीमती 8 लाख रुपये की शराब बरामद की गई है। आरोपी के विरुद्ध 34-2 की कार्रवाई की गई। कितने आरोपी हैं सर इसमें? अभी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसमें एक आरोपी और शेष है अभी, और उससे पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ से लाता है, सप्लायर कहाँ से हो रही है, उस संबंध में पूछताछ की जा रही है।